मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित स्थानीय सर्किट हाउस में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा संगठन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां संगठन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बस्ती विकास मद से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है एवं इस मद से हर वर्ष व्यय करने के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, जहां भ्रष्टाचार किया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हर जगह माकर देते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जिले के हर ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार किया जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि खरीद फरोख कर बनाई गई सरकार में भ्रष्ट लोग मौजूद हैं एवं आदिवासियों के हित में बात करने वाले मुख्यमंत्री आदिवासियों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, जिसे हम संगठन के लोग छोड़ेंगे नहीं एवं आदिवासी जनजातियों के विकास के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रतिबद्ध रहेगी, क्योंकि जल जंगल जमीन की लड़ाई और जनजातियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। पेश है उमरिया से संघर्ष की खास रिपोर्ट। विधानसभा का हमने दौरा किया, तकरीबन 5-6 पंचायत हमने दौरा किया, तो वहाँ पे जो मानपुर की विधायक हैं माननीय सुश्री मीना सिंह जी, उनके क्षेत्र का हमने दौरा किया। जनता वहाँ से बहुत परेशान है, वहाँ बाहर विद्युतीकरण किया गया, जो बस्ती विकास का पैसा उसका बहुत भरपूर तरीके से जो है घोटाला किया गया। तकरीबन पायली में 62 योजनाएं लागू थी, उन पर घोटाला हुआ है, और मानपुर में जो तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में मीना सिंह जी के द्वारा आदिवासी जनजातियों की जो बस्ती विकास का पैसा तकरीबन 1000 करोड़ रुपए घोटाला किया होगा। जब अपने घर पे घोटाला किया तो बाहर भी घोटाला किया होगा। तभी होता है जब कमीशन मिलती है, यदि कमीशन ठेकेदार को यदि कमीशन नहीं मिलेगा, बाहर का ठेकेदार इसीलिए रखते हैं क्योंकि बाहर का ठेकेदार कमीशन देगा। यदि उमरिया जिले का ठेकेदार होता यदि बाहर विद्युतीकरण लगाने में, तो वो कमीशन नहीं देता क्योंकि घर के बाहर का इसीलिए रखा जाता है। आज अडानी अंबानी को यदि हमारे यहाँ लेके आएंगे तो कमीशन देगा तो लेके आएंगे, यदि गांव का व्यक्ति काम करे बोले हमारे गांव का व्यक्ति क्यों कमीशन दे, मेरे घर में सब चीज है, मंत्री है, इसीलिए बाहरी व्यक्ति को ठेका दिया गया है। और अभी जो लाइटें जुड़ रही हैं वहां पे, मैं देख के आया हूँ, वहां पे शहडोल के कोई दुबे जी हैं, उनको शुक्ला जी दुबे जी हैं, उनको जो है इसका टेंडर दिया गया है, ये गलत है। यदि काम हो रहा है हमारे उमरिया जिले में तो उमरिया जिले के लोगों का अधिकार है उसको रोजगार करके अपना पैसा कमाने के लिए। तो देखिए, हमने आजादी पाई है आंदोलन से, और हम हमारे जो हक अधिकार है वो आंदोलन से हमको मिले हैं, और हमारे यहाँ जो क्षेत्र में घोटाला हो रहा है पूरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और हमारे जो तमाम ST SC और OBC और माइनॉरिटी भाई हैं जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो विस्थापन का दंश सहेंगे, उन सबके साथ में हम जगाएंगे, उन बातों को बताएंगे कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, और हमारे हक के पैसों का जो बंदरबाट किया जा रहा है उन हक के पैसे के 275 की राशि का बताएंगे कि किस तरह से सतपुड़ा भवन जलाया गया, किस तरह से मणिपुर में जो है हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया, किस तरह से सतना में हमारी बच्चों के साथ में बलात्कार किया गया, किस तरह से हमको 132 गांव से जो है 5 वर्ष से हमको विस्थापित किया गया, किस तरह से हमारी जमीन को जो है जबरदस्ती कब्जा करके बड़े बड़े खदान खोले गए, डैम बनाए गए जहां पर हमको जो विस्थापित किया गया, इन सभी बातों से हम जगाएंगे। और पक्का हमारा जो व्यक्ति है ST SC OBC और माइनॉरिटी जो यहाँ का मूल मालिक है, मूल वंशज है, जो सदियों से यहाँ पे रहते आ रहा है, वो अपने हक अधिकार को पाने के लिए फिर से उड़ान करेगा, फिर से टंट्या और बिरसा के रास्ते में चलकर अपने हक अधिकारों को पाएगा।